नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टी कोच चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से हमारा जो डैशबोर्ड, ये अपना पोर्टल है, उस पर एक मैसेज शो हो रहा है। तो इसके लेके काफी सारे हमारे जो बीसिक हैं वो काफी परेशान हैं कि क्या ये मैसेज है और हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आपको करना है। तो कुल मिला के है दोस्तों कि जो मैसेज आपके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसमें जियो टैगिंग करना है। जैसे पहले SBI में चल रहा था जियो टैगिंग, उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में आ चुका है जियो टैगिंग। तो उसको जियो टैग कैसे करना है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे, और इसका डेट कब तक है, ये सारे सारे बात पे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने टेक्निकल रितिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करने के बाद ही हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, और जब आप वीडियो देखने लगते हैं तो उसमें लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए, हम सीधा चलते हैं अपना डैशबोर्ड पे, क्योंकि हमें सारा जो काम करना है वो डैशबोर्ड के माध्यम से करना है। तो अगर आप डैशबोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के एंड में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा कि डैशबोर्ड पे हमें कैसे काम करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम फिलहाल जियो टैगिंग कर लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों कि आपको जियो टैगिंग करने के लिए गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में ही आप जियो टैग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं मैनुअल के माध्यम से समझा देता हूं कि जियो टैगिंग कैसे करना है। तो जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों कि लिखा हुआ है डैशबोर्ड एजेंट लोकेशन कैप्चर मैनुअल। तो दोस्तों, इसको लिए सबसे पहले आपको URL दिया हुआ है bob.mgm.fi.com डैशबोर्ड। तो सबसे पहले आपको उस पर जाना है। तो चलिए, हम ये URL को कॉपी कर लेते हैं, उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, हम गूगल क्रोम में इसको लॉगिन करते हैं। तो चलिए, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करके देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे आता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं URL टाइप किया हूं तो यहाँ पे आ गया है bob.mgm.fi.co.in। तो यहाँ पे नो योर लोकेशन, तो कॉइन योर लोकेशन में दोस्तों कि आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने से आपको क्या होगा कि जैसे आपका जो लैपटॉप है उसका डाटा, जो ये अपना जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं ये आपको वहां से टैग कर लिया जाएगा कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं अलाउ कर देता हूँ, और अलाउ करने के बाद जैसे ही मैं अपने सिस्टम को लॉग इन करूंगा, यहाँ पे डैशबोर्ड को जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा, तो और उसके बाद एक देख लीजिए दोस्तों कि जो आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप जाइएगा, तो यहाँ पे मैनेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पे आस्क बिफोर एक्सेस, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। वहीं पे यहाँ पे देखिए अलाउ, तो अपना लोकेशन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो लोकेशन आपका अलाउ हो चुका है। तो चलिए, हम थोड़ा सा और PDF के मामले मैनुअल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे नो योर लोकेशन आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस देखिए, तो यहाँ पे आके इसको पहले से अगर आपको दिखा रहा है तो यहाँ पे पहले डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद जो है दोस्तों कि आपका जियो टैगिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको बहुत मस्ट, मतलब यहाँ पे जरूरी हो चुका है जियो टैगिंग करना, तो आप 4 तारीख से पहले जियो टैग कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बीसी कॉर्पोरेट बीसी के पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।